सो है गाइस, अगर आपको भी व्हाट्सएप पर किसी भी पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है और आप उस पर्सन के पास बार बार मैसेज कर रहे हैं लेकिन आपका एक भी मैसेज उस पर्सन के पास नहीं जा रहा है और ना ही उस पर्सन का आपको डीपी शो हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन से खुद को अनब्लॉक कर लें, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी व्हाट्सएप पर किसी भी पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है तो आप खुद से कैसे अनब्लॉक हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे एक पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है और इस पर्सन के पास मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ लेकिन मेरा एक भी मैसेज उस पर्सन के पास नहीं जा रहा है और ना ही डबल टिक में कन्वर्ट हो रहा है और ना ही मुझे इस पर्सन का डीपी शो हो रहा है। लेकिन वीडियो का लास्ट में मैं अपने फ़ोन से ही मैं अपने आप को खुद को अनब्लॉक करके दिखाऊंगा, इसलिए अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको 100% दावे से कह सकता हूँ, अगर आपको व्हाट्सएप पर कितने भी पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है मात्र आप 5 से 7 मिनट के अंदर खुद से अनब्लॉक हो सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फुल डिटेल्स बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आप जो भी व्हाट्सएप यूज करते हैं उस व्हाट्सएप को आपको अपडेट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिंपल व्हाट्सएप यूज करता हूँ और जो भी मेरा व्हाट्सएप है वो पहले से अपडेट है, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं रहेगा तो जो भी आप सेटिंग यूज करोगे वो सेटिंग आपके व्हाट्सएप में वर्क ही नहीं करेगा, इसलिए आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा उस ट्रिक को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में चले आना है। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट का, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक देम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आना है और सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को डार्क मोड में कर देना है। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से अनब्लॉक और डार्क में क्या कनेक्शन है, लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पर डार्क मोड में रख देना है। उसके बाद इसे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा बाहर आना है और यहाँ पर फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू ब्रॉडकास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो जो भी पर्सन आपको ब्लॉक किया है सबसे पहले आपको उस पर्सन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको किसी ना किसी एक पर्सन को आपको और सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक मैसेज टाइप करना है जो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्टार। जैसे आप यहाँ पर स्टार लिखोगे और आपको कैपिटल में लिख देना है, कैपिटल लेटर में अनब्लॉक, और फिर से आपको लास्ट में स्टार लगा देना है। जैसे आप लास्ट में स्टार लगाओगे तो जो भी आप अनब्लॉक लिखे थे वो काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा, तो समझिए आपके फ़ोन में ये ट्रिक वर्क कर रहा है। उसके बाद इसे आपको शेयर कर देना है। जैसे आप इसे शेयर कर दोगे तो इस ट्रिक से आप मात्र 10 या 15 मिनट के अंदर अनब्लॉक हो सकते हो। अगर आपके फ़ोन में ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा तो जो भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक से आप 100% अनब्लॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चले आना है। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आ जाते हो तो सबसे यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट का, यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको आ जाना है। सबसे नीचे आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो भी व्हाट्सअप नंबर यूज करते हो सबसे पहले उस व्हाट्सअप नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने व्हाट्सअप अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट मतलब लिखना है जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो सबसे पहले वहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। अगर आप उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा भी गलती करते हो फिर आप कभी भी अनब्लॉक नहीं हो पाओगे, इसलिए आपको उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर फिर से आपको नीचे एक छोटा सा डिलीट अकाउंट का बटन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर भी क्लिक कर दोगे तो समझिए जो भी आपका व्हाट्सअप का अकाउंट था वो हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको उसी नंबर को फिलअप करना है और अपना जो भी अकाउंट है उसको आपको क्रिएट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मेरा वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी अपना नेम है इसको आपको फिलअप कर देना है और आप चाहें तो आप यहाँ से डीपी भी सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, एक ऑप्शन है स्किप का।
तो आपको यहाँ पर स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि वो पर्सन आपके फोन से कैसे अनब्लॉक होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड मैसेजेस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस भी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको कोई भी एक मैसेज करोगे तो मैसेज उस पर्सन के पास जाने लगेगा। समझिए तो जो भी मतलब ये आप मैसेज कर रहे हैं उस पर्सन के पास जाने लग रहा है। तो समझिए जिस भी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था वो ऑटोमेटिक आप अनब्लॉक हो चुके हैं। मतलब जो भी आपका फ़ोन में ट्रिक था ये 100% वर्क करेगा। अगर एक बार करने से ये ट्रिक आपके फ़ोन में वर्क नहीं करता है तो फिर से आपको एक बार वीडियो देख लेना है और फिर से आपको अपने फ़ोन में आपको इस जो भी मैं आपको ट्रिक बताया हूँ उसको आपको ट्राई करना है। एक या दो बार अगर आप ट्राई करते हो तो 100% आप यहाँ से अनब्लॉक हो जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना है और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो अगर आप लाइक कर देते हैं तो हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर ऐसे रिलेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद।